सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। इस समय कर्नाटक के सियासी माहौल में बड़ा ही गजब खेल चल रहा है। सभी पार्टियां चुनावी रंग में रंग चुकी हैं। हर पार्टी जीत हासिल करने के लिए पूरे जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का ही वादा कर दिया है। अब इस तरीके के वादे ने कर्नाटक में चल रहे वोट की लड़ाई को अब एक नया रूप दे दिया है। इस दौरान तमाम नेताओं के बयान भी सामने आए हैं और अब लगातार विपक्षी पार्टियां इस पूरे मैनिफेस्टो को लेकर के कांग्रेस पर हमला करती हुई भी नजर आ रही हैं। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में जमकर बवाल मचा है। कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें मैनिफेस्टो में यह कहा गया है कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी और घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि ऐसे संगठनों को प्रतिबंधित करने की भी कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को सर्व जगांता शांति अतोटा का नाम दिया है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के लिए बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई जैसे संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बैन किया जाएगा। तो इसी को लेकर कर्नाटक की सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है, जिसको लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पहले वो भी सुनिए। जो उनके मैनिफेस्टो में भी उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात रखी, मैं समझता हूँ बहुत ही शर्म की बात है कि एक संस्था जो प्रभु श्री हनुमान जी की सेवा में जुटा हुआ है, जो बजरंग दल बजरंग बली के नारे को लेके जनता में अपना काम करता है, उसको भी ताला लगाने की जो कोशिश आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के द्वारा करने की बात रखी, ये दिखाता है कांग्रेस की मानसिकता। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति में विश्वास करती है। कांग्रेस की सरकार है, क्या यहाँ पर बजरंग दल को बैन किया जा सकता है? इसकी शुरुआत क्योंकि कर्नाटक कह रही हमारी सरकार आएगी तब, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस अलग अलग, अलग देखो वहाँ क्या हो रहा है उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दिए हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से अब वहाँ लागू हो गया तो यहाँ करेंगे क्या, वहाँ ऐसा हुआ तो यहाँ करेंगे क्या। अब दो लीटर आधा लीटर दूध हर घर में देंगे बोले मतलब मोदी जी और अमित शाह कर्नाटक में, तो मध्य प्रदेश में दे रहे हैं क्या, गुजरात में दे रहे हैं क्या? कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में बोले हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि कर्नाटक भारत की एक भाव भूमि है। मैं स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि के प्रदेश उत्तर प्रदेश से आया हूं और कर्नाटक प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त उनके सहयोगी श्री हनुमान की पावन जन्मभूमि है। हजारों वर्षों से कर्नाटक और उत्तर प्रदेश एक अनन्य भाव के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। तो
कर्नाटक में इस वक्त चुनावी पारा है वो सातवें आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि इस पूरे चुनावी माहौल के बीच बजरंग दल को बैन करने की कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बात की गई है, जिसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह भी अब कांग्रेस के खिलाफ बड़े बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी बजरंग बली का अपमान करके पीएफआई को किस तरह बचाया जाए इसकी ही चेष्टा कांग्रेस पार्टी करती है, तुष्टीकरण की राजनीति की ये पराकाष्ठा है। तो वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए उनके घोषणा पत्र को मुस्लिम घोषणा पत्र तक बता डाला। हेमंत सरमा ने कहा कि मुस्लिम घोषणा पत्र है, ऐसे जिन्ना भी मैनिफेस्टो जारी नहीं करते जैसा कि इस बार कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो जैसे ही सामने आया उस पर विवाद शुरू हो गया। वही कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बयान दिया गया है, जो उस मैनिफेस्टो में कहा गया है, उसकी लाइनें कुछ इस तरीके से है जो मैं इस वक्त आपको बताऊंगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये कहा है कि हमारा मानना है कि कानून और संविधान पवित्र है, कोई व्यक्ति या बजरंग दल, पीएफआई और नफरत और शत्रुता फैलाने वाले दूसरे संगठन, चाहे वो बहुसंख्यकों के बीच के हों या फिर अल्पसंख्यकों के बीच के हों, वो कानून और संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम ऐसे संगठनों पर कानून के तहत प्रतिबंध लगाने समेत निर्णायक कार्रवाई करेंगे। तो ये वही कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बातें हैं जिसको लेकर अब विवाद जारी है। तो कर्नाटक में जिस तरीके से सियासी पारा हाई है, तो क्या ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है या फिर राजनीति को न्याय देने का आकार है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक गेस्ट का पैनलिस्ट जुड़ा हुआ है। वहीं विवेक श्रीवास्तव बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, तो सपा से हमारे साथ विवेक पांडे जुड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं और उसमें कहा गया है कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा, कहां तक सही है बजरंग दल को बैन करना? संविधान से अलग, संविधान की मूल भावना से अलग, अपने राजनीति स्वार्थ के लिए किसी धर्म का, किसी संगठन का दुरुपयोग करेगा और उसका राजनीतिक इस्तेमाल करेगा तो बिल्कुल हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये राजनीतिक लड़ाई झूठ बांटने की और किसी संगठन को सपोर्ट करने की, किसी संगठन को दबाने की, किसी धर्म विशेष की राजनीति को टारगेट करते हुए जो जो स्थायी राजनीति है, जो लोगों के सहूलियत की राजनीति है, जो हमारे संविधान की मूल भावना की बात है, उसको दरकिनार करते हुए जिस प्रकार से हल्की सस्ती और गैर वाजिब राजनीति शुरू होती है, तो ये बिल्कुल ये संविधान सम्मत, विधि सम्मत और यही मूल भावना है। हम उसी, यानी विनोद जी, आप ये मानते हैं कि जो बजरंग दल है वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है? कोई भी, देखिए, मैं कोई भी ऐसा संगठन जो इस प्रकार की कार्रवाई में लिप्त है, जो संविधान से बड़ा अपने आप को मानता है, उसको किसी भी राजनीतिक रूप से समर्थन और संरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो हम एक जिम्मेदार, एक न्यायप्रिय, एक संविधान से चलने वाली सरकार के रूप में हमने जो घोषणा पत्र में जाहिर किया है पालन में, हम सरकार की पूरी पूरे तंत्र को, पूरी मशीनरी को कर्नाटक को लगाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो ये वैमनस्य की, झूठ की, बांटने की और हिंसा की राजनीति है, उस सब पर लगाम लगाने का। ठीक है विवेक जी, अभी आपने सुना कि विनोद जी ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो भी संगठन आपराधिक कृत्यों में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो क्या आप वाकई सहमत है कि बजरंग दल जो है वो अपराधों को बढ़ावा देता है? बजरंग दल के ऊपर इस तरह की बात करना, ये कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टिकरण का जीता जागता उदाहरण है। जिस तरह से पीएफआई से ये बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत दुखद है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की एक युवा शाखा है जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में तब की गई थी जब तत्कालीन सरकार ने अयोध्या से निकलने वाली राम जानकी रथ यात्रा को सुरक्षा देने से मना किया था। उस समय यह समाज के युवाओं का आह्वान किया गया था कि आप आए
और राम जानकी रथ यात्रा को सुरक्षा देने के लिए उसी तरह का रोल निभाए, चरित्र निभाए जिस तरह से कभी स्वयं बजरंग बली ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ निभाया था। जिस समय अहिरावण उनका हरण करके ले गया था, तमाम अवसरों पर जिस तरह से बजरंग बली ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण को सुरक्षित रखने का कार्य किया था, उसी तरह से रथ यात्रा को सुरक्षा देने के लिए बजरंगियों के रूप में आह्वान किया गया था समाज के तरुणाई का, समाज के युवाओं का, ठीक है। और उसी समय बजरंग दल की स्थापना हुई। बजरंग दल को इस तरह से विवादित रूप में बताने का जो कांग्रेस ने कृत्य किया है, ये हमारे लिए कोई नया तजुर्बा नहीं है, ठीक है। ये भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनके विरुद्ध हलफनामा देने वाले लोग हैं, मंदिर निर्माण के मार्ग में रोड़े अटकाने वाले लोग हैं, ये राम विरोधी है, ये राम विरोधियों की सरकार बनवाने वाले लोग हैं, राम भक्तों पे गोली चलवाने वालों को सरकार में बैठाने वाले लोग हैं, ठीक है। इनसे इस तरह की अपेक्षा हमारे लिए कोई नई नहीं है, लेकिन है। आपके माध्यम से इनकी जानकारी के लिए और सबकी जानकारी बता देना चाहता हूँ, ये बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा है, ये राष्ट्र को समर्पित संगठन है, ठीक है। सेवा, सुरक्षा और संस्कृति इसका ध्येय वाक्य है, ठीक है। किस तरह से, ठीक है, अभी आपने बजरंग दल के बारे में पूरी कहानी बताई, कहां से उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे बजरंग दल एक्टिव हुआ, ठीक है। विवेक पांडे, जब मैं सीधा आपके पास आती हूँ, जब भी देश का माहौल खराब होता है तो उसमें नाम आ जाता है कि बजरंग दल के लोग हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। ऐसे में बजरंग बली को बजरंग दल से लिंक करना, ये कहां तक सही है? क्योंकि मेरे मुताबिक तो भगवान किसी समूह या धर्म का तो नहीं हो सकता। अभी भी आपने सुना कि विवेक श्रीवास्तव जी ने बजरंग दल और बजरंग बली को आपस में लिंक कर दिया। देखिये, विवेक श्रीवास्तव भैया भाजपा के अच्छे प्रवक्ता है, इनका धर्म है अपने भाजपा और भाजपा से जुड़ी इकाइयों का कहीं ना कहीं नेतृत्व और संरक्षण करना, वो उस धर्म को निभा रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कल बजरंग दल कहाँ था आपका भाई, जब लखनऊ में लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया हनुमान जी के भंडारे को लेकर के, और अगर सोशल मीडिया पे जनता का आक्रोश नहीं फूटा होता तो मुझे लगता भी नहीं कि वो आदेश अभी तक वापस हुआ होता या बैकफुट पे आए होते कमिश्नर के लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी जाकर के कर्नाटक में हनुमान जी बजरंग बली के नाम पे भाजपा के लोग वोट मांगते हैं, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हनुमान जी के भंडारे को, हर साल जो जेठ का मंगल होता है उसके भंडारे को आयोजित करने को लेकर के जो कल निर्देश जारी किए थे, वो एक तानाशाही रवैया, मनमानी रवैया दिख रहा था, उससे इनकी राम भक्ति, हनुमान भक्ति सामने जग जाहिर है कि किस तरीके से जनता के दबाव में ये आदेश उनको वापस लेना पड़ा। फजीहत तो सरकार ने खुद ही करा ली, चलिए ठीक है। अब इनके बजरंग दल पे आ जाते हैं, मैं तो ये सवाल पूछूंगा, बजरंग दल ने कितने युवाओं के रोजगार को सृजित किया है, कितने युवाओं के जो पर्चे लीक हुए परीक्षा के, सरकारी पर्चों के, कितने आंदोलन का नेतृत्व किया है? बजरंग दल अगर युवाओं, युवा इकाई है जैसा कि इनका अपना खुद ही कहना था, तो बजरंग दल के लोग उस समय कहां चले जाते हैं जब यूपीएसआई के बच्चे जाके इको गार्डन में धरना देते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे धरना देते हैं, तब बजरंग दल के लोग दिखाई नहीं देते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए? बजरंग बली की बात अगर की जाए तो आदरणीय बजरंग बली जो हमारे इतिहास के बहुत बड़े किरदार हैं, वो तो हमेशा न्याय और रक्षा के प्रतीक माने गए, लेकिन युवाओं का कहीं ना तो न्याय दिखाई दिया बजरंग दल के माध्यम से, ना तो रक्षा दिखाई दी। हाँ, वैलेंटाइन डे या अन्य इस तरह के डे पे बजरंग दल के आतंकी कहीं ना कहीं दिखते जरूर हैं सड़क पे, अपने कारनामों के लिए प्रसिद्ध भी हैं। तो मेरा कहना है कि भाई देखिए, ना मुझे बजरंग दल से सरोकार है और ना मुझे पीएफआई से कोई लेना देना है। जो भी समाज में अराजकता, अशांति फैलाने का कारक बनेगा उसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, चाहे वो हिंदू संगठन हो, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो, चाहे वो ईसाई संगठन हो, चाहे कोई अन्य संगठन हो। जो भी इस सामाजिक सहिष्णुता का विरोध करेगा, जो भी सामाजिक सहिष्णुता के प्रतीक के विरुद्ध जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि संविधान जिन नियमों का अनुपालन करने का आज्ञप्ति देता है, अनुमति देता है, अगर उस संविधान के आदेशों के विरुद्ध कोई भी संगठन जाके कार्य करेगा तो उसको बैन करना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये होना भी चाहिए,
जिक्र किया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता आतंक फैलाते आतंकवादी, अभी जैसा कि आप ही ने बोला कि वैलेंटाइन डे के मौके पर बजरंग दल के आतंकवादी दिखाई देते हैं, आतंकवादी आपके हिसाब से क्या होते हैं? दिखाई देते हैं क्या? आप नहीं मानती बजरंग दल के लोग आपके हिसाब से आतंकवादी क्या होते हैं? भाई देखिए, सामाजिक सहिष्णुता और आईपीसी सीआरपीसी के विरुद्ध जो भी मान्यताएं दी गई है उसके विरुद्ध जाके जो भी कृत्य करेगा वो कहीं ना कहीं इसी श्रेणी में आएगा, अराजकता की श्रेणी में आएगा। ठीक है विवेक जी, क्या फिर ये बताइए, ठीक है विवेक जी, ये बताइए, ठीक है मेरी बात आ जाए, ठीक है बोलिए, मेरी बात पूरी आ जाए दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि बालिग युवक और युवती है, अगर वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन अगर वो 21 साल 22 साल के हैं और कानूनी मान्यता के अनुसार बालिग हैं, तो उनको कौन, किसी भी संगठन के लोग कौन होते हैं उनको रोकने वाले या पूछने वाले उनसे सवाल? उनको संविधान ने ये कहां मान्यता दे रखी कि वो जाकर के अराजकता फैलाए? ठीक है अब विवेक जी, अब तो भाई सीधी बात है, जब आप कानून के विरुद्ध काम करेंगे तो कानून के दायरे में तो आप अपराधी नजर आएंगे। ठीक है ठीक है विवेक जी, अब मैं विवेक पांडे जी मैं फिर आपके पास आ रही हूँ। अभी आपने आतंकवादी का मुझे डेफिनेशन नहीं दिया कि आतंकवादी क्या वाकई में जो जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैनिकों पर हमला करते हैं, जो हमारे सैनिकों को मारते हैं, क्या वो आतंकवादियों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से कंपेयर करना आपको मुनासिब लग रहा है? मैंने अराजकता कहा है, आपने शायद शब्द नहीं पकड़े, अराजकता, अराजकता का। लेकिन आतंकवादी वो भी है और आपके हिसाब से आतंकवादी ये भी है? नहीं, अंतर है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं या सामाजिक सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं? वो राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं और ये सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, शायद हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि आप वाकई में किस अराजकता की बात कर रहे थे। ठीक है मैं वापस आपके पास आऊंगी, अब सीधा मैं चलती हूँ विनोद सिंह जी के पास। विनोद जी, आपके मैनिफेस्टो में PFI और बजरंग दल को बैन करने की बात लिखी गई है कि आप बैन कर देंगे, जब PFI पहले से ही बैन है तो आखिर आप उसको फिर से कौन से लॉ के तहत एक बार बैन करेंगे? देखिए मैंने कहा नाम की बात नहीं है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के अभिशासी कह रहे थे कि PFI से इनका मुखर विरोध है, तो लगातार जब से मोदी सरकार मोदी वन मोदी टू आई है, इस प्रकार से इन्होंने संवैधानिक रूप से एक अच्छी भावना के तहत इस प्रकार की घटनाओं में या ऐसे संगठन जो कानून से ऊपर अपने आप को मानते हैं और इस प्रकार के क्रियाकलाप में संलिप्त रहते हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है, वो किसी धर्म के हो, किसी नाम। विनोद जी शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए, मेरा सवाल ये था, ठीक है विनोद जी मेरा सवाल शायद आप समझ नहीं पाए, मेरा सवाल ये था कि जब PFI ऑलरेडी बैन है तो आप उसको दोबारा किस तरीके से बैन करेंगे, ये था मेरा सवाल। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी का बैन और भारतीय जनता पार्टी का को स्वतंत्र करना, ये तो राजनीतिक हित के तहत एजेंडे के तहत काम होता है। हम कोई भी ऐसी संस्था, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई भी ऐसी संस्था जो संविधान के मूल अधिकारों के साथ उसकी भावना के साथ छेड़खानी करती है और आम शहरी को उसका हक दिलाने में किसी भी प्रकार से बाधित करने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी ने भी बजरंगबली और कहां कहां जोड़ लिया, इनको ये पता होना चाहिए, ये रावण प्रवृत्ति वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। रावण भी आया था तो भेष बदल के आया था, वो साधु के भेष में आया था, तो इस प्रकार से ये द्वंद्व और ये संकट और शंका ना पैदा करें। इनको मालूम है इनके सारे संगठन, पूरी भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की राजनीति करती है, किस प्रकार की राजनीति इनको पसंद है और किस प्रकार की राजनीति से ये प्रोत्साहित होते हैं, ये पूरा देश जानता है। तो इनको संविधान, मेरा हम कांग्रेस पार्टी का ये मानना है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं, कोई भी व्यवस्था, कोई भी सरकार, कोई भी मशीनरी, कोई भी तंत्र संविधान के अनुपालन को सुनिश्चित करने में अपनी ऊर्जा लगाए, उससे ऊपर कुछ नहीं। अब आप ही की पार्टी जो है वो इस अपने बयान को बैलेंस करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि DK शिवकुमार जी ने साफ तौर पर कहा है कि अब जगह जगह मंदिर बनाए जाएंगे, तो पहले आप तो अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल और इन सबको लेकर बैन करने की बात करते हैं, फिर आप अपने ही बयानों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अरे अरे मंदिर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मंदिर से और बजरंग दल के प्रतिबंध में क्या संबंध है? मंदिर तो पवित्र जगह है, मंदिर तो हर व्यक्ति के, राम बजरंग बली तो हृदय में है हर हिंदू के, तो सवाल यही तो बात है, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हल्की सस्ती राजनीति को पोषित करने के लिए
धर्म के साथ छेड़खानी की है, हमारे धर्म की मूल भावना के साथ जो उन्होंने गलत परिभाषित करने का काम किया है, कर्नाटक की सम्मानित जनता जान चुकी है, इनके खेल को समझ चुकी है, इनका भ्रष्टाचार, इनका कमीशन का खेल, इस सबको आवरण डालने के लिए, पर्दा डालने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। हम बार बार कांग्रेस पार्टी यकीन करती बहुत बहुत मंदिर बनेंगे, विशाल मंदिर बनेंगे और सुगम और सरल होगा आना जाना, लेकिन जो इस प्रकार से केवल राजनीति करते हैं, राम का इस्तेमाल, ऐसे संगठनों का इस्तेमाल, बजरंग बली से बजरंग दल का कोई वास्ता ही नहीं, अगर वास्ता होता तो इस प्रकार की क्रियाकलाप में वो कभी सोच भी नहीं सकते। मैं तो जिम्मेदारी से कहता हूँ भाजपा के साथी से, राम नाम का जरा भी अगर प्रादुर्भाव हो समझ और इनको उस मर्म को समझे तो जिस प्रकार की क्रियाकलाप में भारतीय जनता पार्टी लिप्त है, जिस प्रकार से बांटने की हिंसा की गोली की राजनीति करती है, ये कदापि नहीं कर सकती। ये लोग धर्म से विमुख लोग हैं, बेकार लोग हैं, सिर्फ राजनीति सस्ती हल्की गंदी राजनीति करना जानते हैं और भारत को हिंसा के आग के हवाले कर देना चाहते हैं। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, अभी आपने सुना कि कहा गया कि कर्नाटक में भाजपा तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। देखिए मुस्कान जी, जिन लोगों ने 1962 में कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण लागू किया, उस संविधान के किस अनुच्छेद का पालन कर रहे थे कि आपके माध्यम से देश को आज जानना चाहिए। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, उस आरक्षण को हमने समाप्त किया और हम आज भी कह रहे हैं हम तेलंगाना में भी इस आरक्षण को समाप्त करेंगे। धर्म के आधार पर संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। वक्त के नियमों को जिस तरह से ताकत दी गई वो किस सरकारों ने किया वो भी देश को जानना चाहिए। इस तरह के जो मुस्लिम तुष्टिकरण के कार्य कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए, हम उस तुष्टिकरण की राजनीति के धुर विरोधी है। बजरंग दल की स्थापना किसी के विरोध के लिए नहीं की गई, बजरंग दल की स्थापना हिंदुओं को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों से समाज की रक्षा के लिए की गई। विवेक पांडे जी चाहते हैं कि लव जिहाद चलता रहे, हम बजरंग दल चाहता है कि लव जिहाद बंद हो। तमाम फिल्में इस पे आ चुकी है, तमाम प्रकरण सबके सामने हैं। केलरा फिल्म इसका जीता जागता उदाहरण है। कश्मीर में आपने देखा कश्मीर फाइल्स की फाइलों में क्या क्या दर्ज रहे। इन्हें हिंदू समाज पे आघात होते देखना सुखद लगता है। ये समाजवाद की मानसिकता है, कांग्रेस की मानसिकता है, भारतीय जनता पार्टी इस मानसिकता का विरोध करती है। बजरंग दल इस मानसिकता के खिलाफ डटकर संघर्ष करता है। राष्ट्रवादी संगठन है, संस्कृति की रक्षा का संगठन है और हम सेवा कार्य भी करते हैं बजरंग दल के माध्यम से। जितने भी आपदाएं देश पे आई हैं, सारे आपदाओं में चाहे बजरंग दल, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अन्य दल, हमारे अनुसांगिक संगठनों के कार्यकर्ता सेवा कार्य में भी रहते हैं। ठीक है, एक भी समाजवादी कार्यकर्ता का नाम बताइए जिसने आपदा काल में देश की सेवा की हो। एक भी आप कांग्रेस कार्यकर्ता का नाम बताइए। मैं ये सीधा सवाल विवेक पांडे से ही पूछ लेती हूँ, बताइए आप जवाब दीजिए कि क्या आपदा काल में किसी भी कार्यकर्ता ने सेवा की है या नहीं। भाई देखिए, आपदा काल में से कितने हमारे कार्यकर्ताओं पे FIR सेवा कराने को लेकर के हुई, जरा अगर आप ये पूछती तो शायद ये सही सवाल होता। अभी इन्होंने क्या कहा, लव जिहाद की बात की। भाई 2000 मुझे लगता है कि 2019 और 20 में तो इन्हीं की सरकार थी ना यूपी में, और लव जिहाद मामले में यूपी पुलिस की रिपोर्ट है कि 2020 की रिपोर्ट है यूपी पुलिस की कि किसी साजिश या विदेशी फंडिंग के सबूत नहीं है। तो भाई पुलिस भी आप ही संचालित कर रहे थे। कानपुर शहर में 22 थानों में हिंदू मुस्लिम संबंधों के संदेहास्पद मामलों में रिपोर्ट देने को कहा गया था, जिसमें 14 मामले सामने आए थे और IG ने इसकी जांच की थी SIT बना करके, और उसमें जो रिपोर्ट आई थी उसमें यही बताया गया कि ऐसे किसी भी लव जिहाद से जुड़े हुए साजिश या विदेशी फंडिंग के सबूत नहीं, जो कि लगातार ये आरोप लगा करके कानून बनाने की मांग कर रहे थे। दूसरी बात पे आता हूं, इन्होंने अभी क्या कहा, केरल स्टोरी देखनी चाहिए फिल्म। जब कश्मीर फाइल्स देखी जा रही थी ना, उस समय 128 से अधिक कश्मीरी परिवार पलायन कर रहे थे घाटी में, जब आपके गृहमंत्री कश्मीर फाइल का प्रचार कर रहे थे, और आज जब आप केरला फाइल का प्रचार कर रहे हैं तो मणिपुर में क्या हो रहा है जरा ये बताइए। मणिपुर जल रहा है और आप लोग चुनाव में लगे हैं, प्रधानमंत्री चुनाव में रैलियां कर रहे हैं, गृहमंत्री बोल रहे हैं कि हम मजबूत सरकार बनाएंगे, गृहमंत्री प्रचार कर रहे हैं। भाई इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है
योगी जी प्रचार कर रहे थे यहाँ पे परिवहन का डेटा हैक हो गया, साइबर अटैक हो गया यूपी में। मतलब ये हास्यप्रद लगता है कि अपनी जिम्मेदारी, संस्थागत जिम्मेदारियों को छोड़ करके प्रचार कर रहे हैं और ऊपर से हमको आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं। थोड़ी सी भी शर्म बची हो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, संवैधानिक जिम्मेदारियों को लेकर के, तो अपने दायित्व की पूर्ति करिए। मणिपुर पे बात कर लीजिए ना जरा, मणिपुर चल रहा है उस पर तो आपके एक शब्द नहीं निकल रहे हैं। मणिपुर कश्मीर फाइल के समय तो घाटी से पलायन हो रहा था, इस बात को आप नहीं कहेंगे। 128 से अधिक कश्मीरी हिंदू पलायन कर रहे थे जिस समय कश्मीर फाइल आई थी, उसकी बात आप नहीं करेंगे। और ऑन रिकॉर्ड है, बोलिए मैं आपको प्रमाण भेज दूं इसके। और आज जब मणिपुर जल रहा है तो आप कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। सरकार है कि सर्कस है भाई? आपको इसलिए चुना गया था कि एक राज्य जल रहा है उसके बाद गृहमंत्री आपके आंखें मूंद करके जाकर के वहां प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं। मतलब हद पार कर दी आप लोगों ने। चुनाव जीतने की इतनी ललक, लाशों के षड्यंत्र, फिर से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। जब चुनाव आते हैं जवान शहीद होते हैं, पुलवामा पे ये बात नहीं कर रहे हैं भाई। अगर भाजपा को जनता ने चुना है तो इसी भाजपा सरकार ने राज्यपाल को भी चुना था। आज वही राज्यपाल इनकी बखिया उधेड़ रहा है पुलवामा के सच को लेकर के, लेकिन अपनी जिम्मेदारी कहीं बताते नहीं। केवल चिल्लाने से आपका सच 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 साबित हो जाएगा क्या? तथ्य और प्रमाणों के आधार पर बताइए मणिपुर चल रहा है उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मणिपुर में बताइए भाई, मणिपुर में क्या हो रहा है? विवेक पांडे जी, हमारा मुद्दा है बजरंग दल, आप उस पे बात करिए। आप कश्मीर फाइल्स और मणिपुर पे भी फिलहाल बात मत करिए, हमारा मुद्दा कुछ और है, मुद्दे से भटक गए। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी, मैं सीधा विनोद सिंह जी के पास चलती हूँ। विनोद सिंह जी, अभी आपने जॉब मैनिफेस्ट, ठीक है मैं वापस आऊंगी, ठीक है मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगी। अब मैं सीधा चलती हूँ विनोद सिंह जी के पास। विनोद सिंह जी, जो आपने मैनिफेस्टो दिया है उसमें बजरंग दल और पीएफआई को कहीं ना कहीं साथ में कंपेयर किया है, तो ये बताइए आप कि आखिर बजरंग दल के कितने केसेस आपको अपराधियों में संलिप्त मिले हैं, ना कितने कार्यकर्ता संलिप्त मिले हैं आपको? 5 साल के लिए प्रतिबंध किया, उसको आजीवन प्रतिबंध करने के लिए कहा कांग्रेस। बजरंग दल जो इनका संगठन, इन्होंने 5 साल के लिए प्रतिबंध किया। कोई भी आयोजन, कोई भी ऐसी तारीख होती है जो ये अपने आप को फोटो खिंचाने के लिए अखबार में नाम छपने के लिए, खासकर जहाँ आवाज बढ़ाई, आवाज नहीं आ रही है, ये आ जाते हैं और ये पुलिस की भूमिका अदा करने लगते हैं। तो इस प्रकार से बेखौफ और निर्भीक होके भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि संगठन है तो उनको कोई कार्रवाई, विधिक कार्रवाई नहीं होती है। तो हम कह रहे हैं देश चलेगा तो किसी की मनमर्जी, किसी की सोच से, किसी की फोटो आ जाए, किसी का नाम आ जाए, कोई अपने संस्था संगठन का प्रचार कर ले, किस कीमत पर? ठीक है, चलिए मैं आपको बजरंग दल का एक अच्छी चीज बताती हूँ, जो उन्होंने वाकई में काबिले तारीफ काम किया है कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है कि 1 लाख यूनिट रक्तदान किया। पीएफआई का कोई ऐसा रिकॉर्ड आप मुझे दीजिए। अरे कांग्रेस का देते दीजिए, कांग्रेस का दिलवा दीजिए, समाजवादी पार्टी का दिलवा दीजिए। विनोद जी, विनोद सिंह जी बताइए, पीएफआई का कोई एक अच्छा काम मुझे बताइए। आपने जिस थाली में दोनों को बराबर बताया है, पीएफआई और बजरंग दल को, बजरंग दल की तो एक काबिले तारीफ काम मैंने आपको बताया, लेकिन आप पीएफआई का बताइए मुझे। रिकॉर्ड में दर्ज हो जाने का मतलब ये नहीं है, विवेक जी जिस प्रकार से प्रसन्न हो गए, कि आपको कानून से, संविधान से खेलने की छूट दी जा सकती है। दोनों विषय पूरी तरीके से अलग है, ये समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की राजनीति करने की अभ्यस्त है, एक्सपर्ट है, कुछ भी कर ले उसके। विनोद जी, शायद आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, ठीक है? आपके पास शायद मेरे सवालों का जवाब नहीं है, शायद आप होमवर्क अच्छे से नहीं करके आए, ठीक है? चलिए मैं सीधा चलती हूँ, ठीक है विवेक पांडे जी, मैं सीधा आपके पास आती हूँ। पीएफआई को बैन करने पर आपका स्टैंड क्या है? विवेक पांडे जी बताइए, पीएफआई को बैन करने पर आपका स्टैंड क्या है? भाई देखिए, मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है। किसी भी तरह की अराजकता में, आतंकी घटना में, किसी भी तरह की हिंसक घटना में जिस संगठन को पाया जाए उसको बैन कर दिया जाए। पीएफआई को इन्होंने 5 साल के लिए बैन किया तो क्यों किया? आजीवन बैन क्यों नहीं किया? भाजपा को पीएफआई पे आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए था, इन्होंने 5 साल के लिए बैन किया। यही कांग्रेस कह रही है कि उस पर आजीवन प्रतिबंध लगाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि बजरंग दल की बात जहां तक है, बजरंग बली का नाम जोड़ने से बजरंग दल बजरंग बली का हिस्सा नहीं हो जाएगा। मैंने एक सवाल पूछा, सिर्फ एक सवाल, आज मणिपुर में जो घटना हो रही है क्या उसके पीछे भी वहां के किसी क्षेत्रीय संगठन का नाम है? लेकिन सरकार तो आंखें मूंद करके बैठी है, तो वोट मांग रही है। कल लखनऊ में जो जेठ के मंगल के भंडारे को लेकर के हुआ, सबसे पहला विरोध तो बजरंग दल को दर्ज कराना चाहिए था। बजरंग दल तो कहीं सुनाई दिखाई भी नहीं दिया। तो ऐसा कौन सा संगठन भाई जो राजनीतिक लक्ष्यों के लिए केवल अपने आप को आगे करता हो? मुझे लगता है कि किसी भी तरह की सामाजिक हिंसा में, अराजकता में, विद्वेष में, किसी भी तरह की हिंसक घटनाओं में कोई संगठन, चाहे हिंदू मुस्लिम किसी जाति का हो, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और आजीवन लगना चाहिए। पीएफआई पे भाजपा ने 5 साल का बैन लगाया है और वाहवाही लूट रहे हैं।
अगर इतनी हिम्मत होती, इतना सत्य होता तो आजीवन बैन लगाते हैं, ये खुद ही अभी पूरी तरह से स्पष्ट है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, क्या आपकी पार्टी पीएफआई को लेकर स्पष्ट एक्शन नहीं ले पा रही है? देखिए मुस्कान जी, जो संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत प्रतिबंध की प्रथम चरण में सीमा होती, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कदम उठाए हैं। बात बजरंग दल की है, बजरंग दल राजनीतिक संगठन नहीं है, बजरंग दल सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है और बजरंग दल की जो जिम्मेदारी बजरंग दल बखूबी निभा रहा है। जिनको लगता है कि बजरंग दल संविधान से इतर से काम कर रहा है, जो खुद संविधान को ताक पर रखने के लिए जाने जाते हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, वो बजरंग दल के ऊपर संविधान की दुहाई देते फिर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमारी बहू बेटियां लव जिहाद से प्रभावित रहें, पीड़ित रहें, ये लव जिहाद के कार्यक्रम को चलते देखना चाहते हैं। बजरंग दल हम सब उसको रोकना चाहते हैं। को भी नहीं मानते क्या? ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, क्या बजरंग दल के बैन हो जाने से लव जिहाद बढ़ जाएगा, ये आप कहना चाहते हैं? किसी की हैसियत नहीं है कि बजरंग दल पे बैन लगा सके। हिंदुस्तान के अंदर पूरी जिम्मेदारी से डंके की चोट पे कह रहा हूं, जिन लोगों ने बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने के सपने देखे हैं, हिंदुस्तान की जनता उनके उन मंसूबों पे प्रतिबंध लगा देगी जो बजरंग दल के खिलाफ जा रहे हैं। बजरंगियों से पाला पड़ा है, बजरंगी इसका हिसाब खूब कायदे से चुकता करना जानते हैं। कल जो लखनऊ में हुआ उस पर भी बोल दीजिए, कल जो लखनऊ में हुआ उस पर भी दो शब्द कह दीजिए। जिस विषय की आप चर्चा करें, जिस विषय की मुझे जानकारी नहीं, आप तथ्यों के साथ बात करें तो मैं उसमें भी आपको तब कौन से बजरंग बली की वाहवाही लूट रहे हैं आप? जब आपको बजरंग बात कर रहे हैं तब कैसी बात कर रहे हैं? कौन से संगठन, कौन से बजरंग बली का आप दुहाई दे रहे हैं? बजरंग दल की बात कर रहे हैं, बजरंग दल की बात कर रहे हैं, अपनी ही व्यवस्था का बजरंग दल की बात कर रहे हैं जिसपे प्रतिबंध लगाने के मंसूबे कांग्रेस पाल रही है। ये मंसूबा हिंदुस्तान में कभी कामयाब नहीं होगा। राजनीतिक बताते बताते ये खुद कल्पना से चले गए। कल इनके कमिश्नर बजरंग बली के जेठ के भंडारे को लेकर के एक वक्तव्य जारी करते हैं, इनको पता ही नहीं है, और ये बजरंग बली की दुहाई दे रहे हैं। देखिए आप पर्टिकुलर वक्तव्य पे बात करना चाहते हैं, अगर आप चर्चा चाहते हो उस वक्तव्य को पूरा बताइए, उस पर आपको जवाब दे दूंगा। बताइए, ये तो स्थिति है इनकी, ये तो स्थिति है भाजपा यूपी की। मैं पुलिस कमिश्नर का प्यारो नहीं हूँ, उसका वक्तव्य देखता रहूं, यही स्थिति है। ये कार्य आप लोग कर सकते हैं, यही सरकस चल रही है। मैं पुलिस कमिश्नर का प्यारो नहीं हूँ, उसका वक्तव्य में पढ़ता रहूं, केवल बयान देना। मैं पार्टी लाइन की बात करता हूँ, केवल राजनीतिक संघर्ष रूप में राजनीतिक की बात करता हूँ, केवल उत्तर प्रदेश लखनऊ के पुलिस कमिश्नर का प्यारो नहीं हूँ। कोई नहीं है सरोकार इनको, बजरंग बली की आस्था से जुड़ा कोई विषय नहीं पता इनको। कल इतना बड़ा मामला आपको स्पष्ट किया ना, मैं लखनऊ पुलिस कमिश्नर का प्यारो नहीं हूँ। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि भाजपा यूपी के प्रवक्ता को जेठ के भंडारे से जुड़ा विषय नहीं पता, और कर्नाटक में बजरंग दल को लेकर बड़ी चिंता हो रही है। विषय जो जिसपे चर्चा है उस पे बात हो रही है, आप अगर तो चर्चा बजरंग बली की हो रही है। एक श्रीवास्तव जी और विवेक पांडे जी, आप दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़े प्रवक्ताओं में से आप एक माने जाते हैं। अगर आप इस तरीके से बयान देंगे साथ में तो हम किसी भी की बात नहीं सुन पाएंगे। आप लोग एक एक करके बोलिए। विवेक पांडे जी आखिरी कमेंट अपना दीजिए इस मुद्दे पे। देखिए मेरा आखिरी कमेंट, पहला कमेंट ही मेरा आखिरी कमेंट अभी भी है, जो भी संगठन चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, अगर वो कहीं भी हिंसा अराजकता पैदा करता है, आईपीसी सीआरपीसी के प्रावधानों के विरुद्ध जाएगा, कानून के विरुद्ध जाएगा, उस पर आजीवन प्रतिबंध करने की आवश्यकता है। पीएफआई पे 5 साल का बैन लगा के जो वाहवाही है, राजनीतिक वाहवाही लूट रहे हैं, और बजरंग बली उत्तर प्रदेश लखनऊ के जो तुगलकी आदेश जारी हो रहे हैं जेठ के भंडारे को लेकर के, हालांकि वो वापस ले लिया गया लेकिन उसके बारे में इनको नहीं पता, तो ये कर्नाटक में बजरंग बली की बात कैसे कर सकते हैं जब इनको उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं पता? ठीक है विवेक जी, 10 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। देखिए मुस्कान जी, बजरंग दल पे जो लोग प्रतिबंध लगाने का सपना पाल रहे हैं, उनके सपने देश की जनता कभी पूरे नहीं होने देगी। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि बजरंग दल या हमारे अन्य किसी अनुसांगिक संगठन प्रतिबंध लगा सके। बार बार विवेक पांडे जी जिस विषय की चर्चा करके विषय को डिरेल करना चाहते हैं, ये समाजवादियों का चरित्र है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मैं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर का प्यार हो नहीं हूँ। ये सरकार में जो भी अरे बजरंग बली या बजरंगियों के आस्था या विश्वास के साथ
पुलिस आपके हाथ में है ना, कोशिश करेगा उसका इलाज हो जाएगा। अरे छोड़िए इलाज, आवाज तो निकल रही, इलाज कहां से कर देंगे यूपी के अपने प्रशासन। ठीक है, मैंने आप सभी के इस मुद्दे पर राय जानी, ठीक है मैंने आप सभी के इस मुद्दे पर राय जानी, लेकिन आप सभी ने एक एक करके बात नहीं की, काफी बातें हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंची, लेकिन एक अच्छे प्रवक्ता होने के नाते मैं आपसे ये उम्मीद करी थी कि शायद आप एक एक करके अपनी बातों को रखेंगे, तथ्यों के साथ बात करेंगे, तर्कों के साथ बात करेंगे, लेकिन तथ्य भी नहीं थे, तर्क भी नहीं थे। किसी ने मुद्दा मणिपुर को ही ले गया, कोई द कश्मीर फाइल्स पे ले गया, लेकिन जो मुद्दे का सवाल है वो जस का तस यूं ही बना रहा। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो मैं बता दूं कि अभी इस वक्त जो कर्नाटक की राजनीति है वो अपने चरम पर चल रही है। बजरंग दल को बैन करने की जैसे ही बात आई, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बड़ा बड़ा लिखा गया था कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा, जिसके बाद से ही कर्नाटक में जो सियासी पारा है वो एकदम अपने चरम पर पहुंच गया है। जहां एक तरफ लगातार अब लोग ये कह रहे हैं कि पीएफआई और बजरंग दल को आपस में वाकई में कंपेयर करना क्या मुनासिब है। अगर हम बजरंग दल की बात करें तो बजरंग दल के नाम पर लिम्का बुक में कई रिकॉर्ड भी दर्ज है, क्या वाकई में पीएफआई के नाम कोई रिकॉर्ड है? अभी हमने सुना कि एक प्रवक्ता ने कहा कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो आतंकी है, क्या वाकई में उन्हें आतंकी कहना सही है या नहीं? ये फिलहाल आप डिसाइड करिए और आप सोचिए। हमारे इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।